ये देखें बुढ़ी घोड़ी लाल लगा और लाल लाल अभी मेरी एज है 37 साल। 37? नहीं अभी पैदा नहीं 37 साल है, उसको उलट कर दो। अल्लाह मैं क्यों चलूंगी आपसे, आप इतनी बड़ी और मैं तो आपसे काफी छोटी हूँ। ठीक है आप देखो ये मैं बचपन में हूँ आप पचपन में हो तो इतना तो फर्क बनता है ना। Yeah. मेरी गोद से ना नहीं जान दो मनु कल जो है हमें हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि इतने अरसे से इस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये वो दिन आने वाला है। उस दिन को आने में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे रह गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड लोग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हम लोग अभी से स्टार्ट ही करते हैं और क्योंकि अभी जो है मैं बाजार जा रही हूँ और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बाजार जाने लगी हूँ तो मैंने आज ही व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया। उनके साथ साथ ही मैं शूट करती जाऊँगी और ये भी दिखा दूँगी कि बाज़ार से मैंने क्या लिया है और बाज़ार से मेरे गिफ्ट लेने के अलावा मम्मा ने आपको मैंने सूट दिखाए थे ना मम्मा के जो व्लॉग में के बाज़ार से लेके आए थे सूट, हाँ उसके साथ जो है ना लैसे मम्मा ने लेनी है तो वो लेनी है जाके और फिर गिफ्ट लेंगे क्योंकि बर्थडे है कल मेरी फ्रेंड की। तो जाते हैं जाके हम लोग गिफ्ट देखते हैं जज का कोई पसंद आता है कि नहीं आता और चलते हैं जाके लेके आते हैं। चलो और आप लोगों ने एंड तक व्लॉग को देखना है और एंजॉय करना है और लाजमी से शेयर भी कर दिया करें। मैं बोल के थक जाती हूँ भाई, आप लोग सुन सुन के थकते नहीं, सीधा शेयर कर दिया करो। ये सारा टोला जो है ना ये भी हमारे साथ जा रहा है, बिस्मा और इब्राहिम ये सारे, अच्छा चलो ये सारे भी आए थे। अच्छा चलो बच्चों को जो है अभी नानी के घर छोड़ना, चलो और फिर इसके बाद बस आ जाएंगे। चलो ठीक है मम्मा के पास चले जाना। बिरयानी का मूड कैंसल वालों के एरिया में तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हुआ है वो। चलो जाके देखते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये री मम्मा आह फोकस भी पूरा नहीं आ रहा। ये री मम्मा बाकी तो सारा गुप्त अंधेरा। चलो अस्सलाम वालेकुम, रात को ना बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, मैंने शूट में के लिए घर आके मैंने अपना होमवर्क किया और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो गई तो मैं जल्दी रात को सो गई थी और गिफ्ट भी मैंने पैक नहीं किया, गिफ्ट भी पैक किया और अभी उसमें और फटाफट में ना मैं स्टोरी बनाई थी, मैं स्टोरी में कुल बना के जा रही तो फटाफट वो बना दी और बाद में गिफ्ट भी पैक कर लिया। अपनी फ्रेंड के लिए ना मैंने ये पाउच लिया, मोबाइल पाउच, और ये दे रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उसको क्या दूँ तो इसलिए मैंने बस ये ले लिया और यही दूँगी। अभी इसको पैक कर लेती हूँ मैं फटाफट क्योंकि टाइम हो रहा है स्कूल का। मैक्रोनी तो बन गई है और बाकी लंच वगैरह मैंने पैक कर लिए, अब वो जो गिफ्ट था वो भी मैंने पैक कर लिया। मैं दिखाती हूँ, ये पापा से मैंने पैक करवा दिया, मैंने कहा मैं काम करी मेरा कैप कर दिया पैक और पापा ने पैक कर दिया और अभी मैं नाश्ता करके स्कूल भाग दूंगी।
तो अभी भी मैं स्कूल से आई हूँ और अभी भी पसीना मेरे है क्योंकि अभी आई हूँ मैं। और मम्मा ने मुझे कहा कि व्लॉग अगर अपना अभी शूट करना है तो कल के बाद मम्मा अपनी जो रेसिपीज वगैरह है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा मैं बना दूँ वरना मेरा व्लॉग जो है लटक जाएगा और फिर आपको पता है मुझे आलसी छा जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो व्लॉग जो है अपना ही कर देती हूँ। और क्योंकि आज हमारे घर में दावत दी है, वो मेरे खाला की खास है आराम से दावत भी है, तो इसलिए मम्मा जो है वो सामान वगैरह भी बना रही है, तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँ फ्रेश हूँ और फिर मैं मम्मा के साथ हेल्प करूँ। मम्मा जो है यहाँ पे बना रही हैं सैलड, इसके ऊपर खट्टी डाल रही हैं। मुँह खट्टा हो गया मेरा। और यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं। क्या बन रहा है मुझे नहीं पता आज, क्या बना रही हो? बिरयानी? नहीं, चिकन पुलाव और साथ में चटपटा चिकन। वाह, और मुझे एक चीज़ नजर आई, वो क्या चीज़ है? वो गिरने लगी थी मैं। ये भी चिकन मैरिनेट किया हुआ है, ये भी चिकन मैरिनेट किया सालन के लिए, वो चावल के लिए। वाह, चलो यहाँ पे चाय किसके लिए बन रही है? राफेल मोई। अच्छा भाई मुझे भी दे देना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। और मम्मा जो हैं अपनी रेसिपीज वगैरह रेडी कर रही हैं, ये पुलाव यहाँ पे बना रही हैं और यहाँ पे जो है चटपटा चिकन और ये वाला वाइट पुलाव मुझे लग रहा है बनेगा, शाही पुलाव। और बाकी ये देखने से ही लग रहा है चटपटा। चलो बनाओ। तो यहाँ पे चावल भी रेडी हो गए हैं और सालन भी वहाँ पे रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मम्मा आलू और चिकन के शामी कबाब बना रही हैं। और चावलों की लुक देखें आप, और इतने मज़े के लग रहे हैं ना देखने में ही, मेरा दिल कर रहा है अभी से खा लूँ, लेकिन हम मेहमानों के साथ ही खाएंगे। और अभी जो है मैं नीचे खाना वगैरह भी भिजवा देती हूँ और मम्मा जो है फटाफट से शामी कबाब बना लें और मेहमान भी आ गए हैं। देखिए तो सही कौन आया हमारे घर बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाए मेहमान आ गए। मैंने बुलाया, मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया, आपने तो बुलाया नहीं। भांजियां फिटे मुंह, अल्लाह हू अकबर। हां जी है, उसने तो बुलाया नहीं, मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया नहीं आ गई। एक मेरी सिस्टर सिंध से आई है जिसकी वजह से इसकी रोटी की है साथ, बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। हां जी, और सुनाए कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक होंगे। और आपने इसका चैनल वायरल लाजमी कर तेरा आंटी की स्पीच है शुरू, जब भी मेरे ब्लॉग में आते स्पीच तेरा आंटी की स्टार्ट। आप लोगों को बहुत सारा लेसन मिलता होगा इनकी स्पीच से, मुझे तो समझ नहीं आती क्या बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को मिल जाता होगा। ये मेरी सुर्खी भी बना दे, सुर्खी नहीं लगा ना, अच्छा देती हूँ। परोनी आ रहे क्या? मेहमान आई हूँ, परोनी, परोनी पंजाबी में। अच्छा पुरानी हो फिर, पुरानी इसलिए कह रही हूँ कि वो मुझे भी दे दो, सुर्खी में ला लूँ। अच्छा ये देखें बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। और लाला अभी मेरी एज कितनी है? 37 साल। 37? नहीं अभी पैदा हुई। नहीं नहीं 37 साल है, उसको उलट कर दो है ना। नहीं, है ना। कैसी लग रही? 73 इयर्स है ना। कैसी लग रही? वैसी जैसी हो। क्या मतलब? नहीं आप क्या समझ रही हैं? जो समझ रही है बिल्कुल वही लग रही हैं। खूबसूरत? नहीं, जो आपके जहन में एकदम आई थी चीज बहुत ही खूबसूरत। वो तो आपके माइंड में आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैं वही खूबसूरत क्यों नहीं आएगी? हो ही नहीं आप। हाँ, चले हमने उसको आपके नंबर्स को भी उलट कर दिया था, इसको भी आप उलट कर दो ठीक है। क्यों? हाँ हाँ, वैसे जल्दी हूँ मुझसे कि मेरी आंटी इतनी प्यारी मुझसे। अल्लाह, मैं क्यों चलूंगी आपसे? आप इतनी बड़ी और मैं तो आपसे काफी छोटी हूँ ठीक है। आप देखो देखिए, मैं बचपन में हूँ आप बचपन में हो, तो इतना तो फर्क बनता है ना। अल्लाह, यह मेरी गोद से बैठ ना। नहीं जान दो मनु, इसकी गोद में डाल के, अपनी गोद में डाल के इसको फीडर पिलाऊं मैं। बच्ची तू बच्ची, गल की थी। ये देखो मैं खाना स्टार्ट, मेहमानों ने भी नहीं खाया। हाँ, खुद ने खाना स्टार्ट। मैं अपनी सिस्टर को बता दूं कैसे बने। चखते के झूठ मार दे बीच में काली मिर्च आ गई। ये भी खा लो, ये अंदर जो वो थे खड़े मसाले वो भी खा ले। नहीं वो नहीं खाती हूँ। खा ले, खा ले, खाइए। वाकई कसम खुदा की बहुत मजे के बने, बहुत मजे के बने। पता है मुझे मेरी मम्मा ने जो बनाया।
खा पी के लोग बैठे हुए हैं। गुड। मैंने ना मैं आई थी पांडे तो नहीं मम्मा। हाँ जी। और अभी किचन की हालत कुछ इस तरह की हुई है, वही नहीं बाद में कर लेंगे। और मैं फटाफट से जो है चाय बना लेती हूँ सबके लिए और फिर देखूंगी मैं क्या करती हूँ। और उसके बाद मैंने अकेडमी भी जाना है। तो चाय मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दिया है और चाय अभी बनेंगे और बाद में हम सारे पीएंगे। यस। तो चाय वगैरह जो है हम लोगों ने पी लिया और मैंने कहा अब व्लॉग जो है मैं एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है व्लॉग तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो अब एंड कर देती हूँ व्लॉग का। और कल जो है हमें हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि इतने अरसे से इस दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये वो दिन आने वाला है। उस दिन को आने में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे रह गए और क्योंकि आज लगे बहुत खुशी का दिन ही समझ गए हमारे लिए, तो मीन्स हमारे इलाके के लिए या पूरे शहर के लिए ही समझ लें क्योंकि बहुत ही हमारे घर में तो स्पेशली, बाकी का मुझे पता नहीं है, हमारे घर में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था इस दिन का। तो मैं जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि जब वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, हमारे कप्तान है आप, इमरान खान है आप, तो इमरान खान जो है कल हमारे शहर में रहीमियार खान में आ रहा है और 24 सितंबर 2022 को ठोकर डाली सारे क्योंकि इतने दिनों से हम लोग काफ़ी महीनों से जब इसने जलसे करना स्टार्ट किए थे, तो जब मींस वज़ीर आज़म की सीट से हटा था ये और उसके बाद जब इसने जलसे करना स्टार्ट किए, लॉन्ग मार्च हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो हम लोग भी इंतज़ार करते थे हमारे शहर में भी आएगा कभी ना कभी, तो हम लोग वो इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली जो है वो आ रहा है कल और बहुत ज़्यादा खुश है और इंशाल्लाह हम लोग कल जाएंगे और रियल में देख के आएंगे इमरान खान को। तो बस आज का मेरा इतना व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हम कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।